हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार, मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम लोग रिव्यू भी करेंगे। ऐसा नहीं कि वो जो रिव्यू वाली ऑडियंस है, वो जो गिनी चुनी, वो अपने से नाराज हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खैर, बात करेंगे आज अगेंस्ट द आइस, जो कि कल ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। मूवी की ओवरऑल लेंथ 1 आवर 43 मिनट की है और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। कहानी ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड, यानी कि ये सारी की सारी चीज जो आपने मूवी में देखी रियल लाइफ में हो चुकी है, ग्रीनलैंड के खोजी एजनर मिकलसन और एक मैकेनिक आइवर आइवरसन के साथ। मूवी की कहानी शुरू होती है 1909 से, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स, देखो यार, यूनाइटेड स्टेट्स हर जगह पर अपनी घुसाता है, समझे? तो उस वक्त में भी यूनाइटेड स्टेट्स का ऐसा कहना था कि ग्रीनलैंड के बाजू में एक लैंड है, पेरी आइलैंड, जो कि ग्रीनलैंड का हिस्सा नहीं है। लेकिन डेनमार्क वालों का कहना था कि ये पूरी तरह से गलत है, इसलिए वो लोगों ने अपने खोजी को भेजा था ये देखने के लिए कि वाकई में यूएन जो बोल रहा है वो सही है या नहीं। तो अब ऐसे में एजनर मिकलसन अपने मैकेनिक को कैसे और क्यों लेके जाते हैं, फिर उनके साथ क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। सर्वाइवल मूवी का सिंपल सा फंडा है कि कुछ लोगों को ये पसंद आती है, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आती है। और जो लोग इस पर्टिकुलर मूवी को देखते हैं, या तो एंड में वो पूरी तरह डिप्रेस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, या तो वो खुद को इमेजिन करते हैं कि अगर हम लोग इस सिचुएशन में फंस जाते तो हम अकेले वो सारी चीजें कर पाते हैं कि नहीं जो मूवी में बताए कैरेक्टर्स ने किया है। मेरा पर्सनल ओपिनियन देखा जाए तो जब मैं सर्वाइवल कोई मूवी देखता तो मेरे अंदर वो क्यूरियसिटी रहती है कि भाई वो बंदे वहां पर सर्वाइव कैसे करेंगे, उनके अंदर कितनी चाहत है और उन लोगों ने वो सारी चीजें की किस लेवल तक जाके। और वो चीज देखकर मुझे हमेशा सर्वाइवल मूवीज इंस्पायर ही करती है। मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात करो तो यहाँ पर आपको सीजीआई बहुत कम, वो जितने भी पोलर बियर के सीन्स है ना, बस उन्हीं को सीजीआई किया, बाकी पूरी की पूरी मूवी रियल लोकेशन पे शूट हुई है। यानी कि वो जो आर्टिक यहाँ पर इस मूवी में बताया है वो सब कुछ रियल है, कुछ भी स्टूडियो नहीं है। और उसे देखने के बाद मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ कि फटके चार हो जाएगी अगर आप लोग उन जगहों पे पहुंचोगे तो। मतलब इतनी ज्यादा ठंड होती है कि लिटरली इंसान के पैर जम जाते हैं फ्रोस्ट बाइट से, तो आप लोग इमेजिन ही कर सकते हो। मुझे इस मूवी में एक चीज समझ में आ गई कि जब एक इंसान को किसी चीज को पाने की चाहत होती तो वो इंसान किस लेवल तक जा सकते उस चीज को करने के लिए। मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करो तो एक ही कैरेक्टर है आइवर आइवरसन, जो कि आपके दिल को छू जाएगा। मतलब साथ काम करने वालों को भी रिस्पेक्ट देता है और अपने सीनियर को तो लिटरली पूछता है, एनिमल्स को भी वो उतना ही ज्यादा प्यार करता। और वो दौर ऐसा था जब स्पेशली डॉग्स को वो लोग उतना प्यार नहीं करते थे, वो क्यों नहीं करते थे वो भी आप लोग इस मूवी में बहुत अच्छी तरह से बताया। लेकिन आइवर आइवरसन बिल्कुल अलग ही बंदा था और यही एक बात आइवरसन की आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। एजनर मिकलसन के कैरेक्टर को भी इस मूवी में बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यहाँ पर निकोलस कोस्टर वेल्डू, जो कि हमें गेम ऑफ थ्रोन्स में नजर आए थे, वो इस पर्टिकुलर मूवी के प्रोड्यूसर भी है, को राइटर भी, और वो यहाँ के लीड एक्टर भी है जिसने यहाँ पर एजनर मिकलसन का रोल प्ले किया। एक ही चीज बोलूंगा निकोलस कोस्टर के लिए कि उस कैरेक्टर में जान डालिए, क्या परफॉर्मेंस किया है। और उनका साथ पीकी ब्लेंडर्स के जो कोल ने एज आइवर आइवरसन बहुत ही अच्छा निभाया। उनका स्क्रीन प्ले अच्छा और एज ऑफ द सीट रखने की ये कोशिश करती है थ्रू आउट द मूवी। एज एन ऑडियंस आप लोग फील करते हो वो चीज। तो यार, मैं आपको इतना कह सकता हूँ, अगर आपको इस तरह की सर्वाइवल मूवीज पसंद है तो ही देखो, अगर आपको नहीं पसंद है तो फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो, बाद में आके मुझे बोलो कि यार कौन सी मूवी सजेस्ट कर दिया। तो सर्वाइवल मूवी की अपनी एक अलग ऑडियंस है। मूवी में आपको अश्लील सीन्स ऐसा कुछ भी नहीं है, तो लास्ट में थोड़ा बहुत किसिंग सीन है। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 7/10। तो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।